हेलो एवरीवन वेलकम टू ब्रेन इंजीनियर्स आज हम करेंगे नेमरा सुंदरा थ्रू वन लाइनर क्वेश्चंस का पार्ट नंबर नाइनटीन ऑफ एग्रॉनमी अगर आपने अभी तक इसके एटीन पार्ट्स नहीं देखे हैं तो काइंडली वो जरूर देखें आपकी प्रेपरेशन के लिए किसी भी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम की प्रेपरेशन आप करें उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन हार्वेस्टिंग इंडेक्स ऑफ पिजन पी इस, आंसर इज नाइनटीन परसेंट इट इज़ लोएस्ट अमंग द पल्सेस। पीजे पी का यानी कि अरहर का हार्वेस्टिंग इंडेक्स नाइन्टीन परसेंट है और ये लोएस्ट है अमंग द पल्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोटीन कंटेंट ऑफ अरहर इज ट्वेंटी फाइव परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज ऑफ अरहर इज अरहर में सबसे ज़्यादा कौन सी डिजीज़ आती है आंसर इज स्टर्लिटी मुजेक विच इज़ अ वायरल डिजीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन द वेक्टर ऑफ स्टर्लिटी स्टर्लिटी मोजेक वायरस का वेक्टर कौन होता है आंसर इज इफेड माइट नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेसिफिक पेस्ट ऑफ अरहर इज अरहर का स्पेसिफिक पेस्ट कौन सा है आंसर इज टूर बॉड फ्लाई नेक्स्ट क्वेश्चन कॉटन इज ऑल्सो नोन एज वाइट गोल्ड कॉटन को वाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है कॉटन इज नोन एज किंग ऑफ अप्रेजल फाइबर कॉटन को किंग ऑफ अप्रेजल फाइबर कहा जाता है ओरिजन ऑफ कॉटन इज कॉटन का ओरिजिन कहाँ का है आंसर इज इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन फैमिली ऑफ कॉटन इज आंसर इज मालवेसी नेक्स्ट क्वेश्चन इज कल्टिवेटेड कॉटन एनुअल होती है या पेरिनियल होती है कल्टिवेटेड कॉटन इज एनुअल नेक्स्ट क्वेश्चन रूट सिस्टम ऑफ कॉटन इज कॉटन का रूट सिस्टम कौन सा है आंसर इज टैप रूट सिस्टम डिफाइन द टू टाइप्स ऑफ ब्रांचेज इन कॉटन कॉटन में दो टाइप की ब्रांचेज होती हैं सिम्पोडियल एंड मोनोपोडियल मोनोपोडियल ब्रांच कौन सी होती है दीज आर ऑक्सिलरी बर्ड्स नोन एज वेजिटेटिव ब्रांचेस तो जो वेजिटेटिव ब्रांच होगी वो मोनोपोडियल होगी सिम्पोडियल दीज आर रिप्रोडक्टिव ब्रांचेस नेक्स्ट क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ कॉटन कितने स्पीशीज हैं कॉटन के आंसर इज ट्वेंटी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ कल्टीवेटेड स्पीशीज ऑफ कॉटन कॉटन की कल्टीवेटेड स्पीशीज कितनी है आंसर इज फोर नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द कल्टिवेटेड स्पीशीज ऑफ कॉटन कॉटन की चार जो कल्टिवेटेड स्पीशीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं आंसर इज गोसीपियम आरबोरियम गोसीपियम हर्बेशियम गोसीपियम हिरसुटम एंड गोसीपियम बारबिडेंस नेक्स्ट क्वेश्चन टू एन नंबर ऑफ गोसीपियम आरबोरियम इज़ टू एन नंबर डिप्लॉयड नंबर कितना होता है गोसीपियम आरबोरियम का आंसर इज ट्वेंटी सिक्स इट इज़

ओल्ड वर्ल्ड कॉटन एंड और एशिएटिक कॉटन नेक्स्ट क्वेश्चन टू एन नंबर ऑफ़ गोसीपियम हिरसुटम इज़ गोसीपियम हिरसुटम का टू एन नंबर कितना है फिफ्टी टू इट इज़ टेट्राप्लॉयड ये टेट्राप्लॉयड है अमेरिकन कॉटन इज अमेरिकन कॉटन कौन सी है गोसीपियम हिरसुटम नेक्स्ट क्वेश्चन टू एन नंबर ऑफ गोसीपियम बारबिडेंस इज आंसर इज फिफ्टी टू टेट्राप्लॉयड विच कल्टिवेटेड स्पीशीज ऑफ कॉटन हैज़ हाइएस्ट फाइबर लेंथ किस कल्टिवेटेड स्पीशीज की फाइबर लेंथ सबसे ज़्यादा है आंसर इज गोसीपियम बार्बीडेंस इसकी फाइबर लेंथ है थ्री पॉइंट सिक्स टू फाइव सेंटीमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन गोसीपियम हिरसुटम एंड गोसीपियम बार्बीडेंस आर नून हैज़ इन्हें किस नाम से जाना जाता है आंसर इज एजिपन और सी आईलैंड कॉटन नेक्स्ट क्वेश्चन वराइटीज़ ऑफ गोसीपियम आरबोरियम आर आंसर इज लोहित फिरनार नेक्स्ट क्वेश्चन वराइटीज़ ऑफ गोसीपियम हर्बेशियम आर घोसीपियम हर्बेशियम की वराइटीज़ कौन कौन सी है आंसर इज दिग्विजय संजय नेक्स्ट क्वेश्चन वराइटीज़ ऑफ़ गोसीपियम हिरसुटम आर गो सीपियम हिरसुटम की वराइटीज़ कौन कौन सी है आंसर इज़ गंगानगर अगेती बीकानेरी नरमा महालक्ष्मी वराइटीज़ ऑफ़ गोसीपियम बारबिड एंसार आंसर इज़ सुविन एंड सुजाता नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द फर्स्ट स्पिनिंग वराइटी ऑफ इजिप्शियन कॉटन रिलीज इन इंडिया फर्स्ट स्पिनिंग वराइटी ऑफ एजिप्शियन काटन कौन सी थी जो इंडिया में रिलीज़ की गई आंसर इज़ सुजाता नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल वराइटी कॉटन इज इजूटम कॉटन की एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल वराइटी कौन सी है आंसर इज एम सी यू फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट कमर्शियल हाइब्रिड वराइटी ऑफ कॉटन इज कौन सी फर्स्ट कमर्शियल हाइब्रिड वराइटी थी कॉटन की आंसर इज एच फोर नेक्स्ट क्वेश्चन एच फोर इज अ क्रॉस बिटवीन ये किसका क्रॉस है आंसर इज जी सिक्सटी सेवन इंटू अमेरिकन नेक्टरलेस इट इज़ अ क्रॉस ऑफ इंट्रा हिरसूटम एच फोर हाइब्रिड इज डेवलप्ड बाय आंसर इज डॉक्टर सी टी प्लेट पटेल सॉरी डॉक्टर सी टी पटेल ऑफ जी ए यू सूरत इन नाइनटीन हंड्रेड सेवेंटी नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड इज फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक कॉटन का कौन सा था आंसर इज वारा लक्ष्मी वारा लक्ष्मी इज अ क्रॉस बिटवीन ये किसका क्रॉस है आंसर इज गोसीपियम सीपियम एंड गोसीपियम बारबेटन्स नेक्स्ट क्वेश्चन वारा लक्ष्मी इज अ रिलीज फ्रॉम आंसर इज यू एस धरवाड़ कर्नाटका नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ इसूटम इन राजस्थान इज हिरसूटम का राजस्थान में पहला हाइब्रिड कौन सा था आंसर इज मरु विकास और राजस्थान एच एच सिक्सटीन नेक्स्ट क्वेश्चन इंट्रास्पेसिफिक हाइब्रिड ऑफ हिरसूटम आर आंसर इज सविता एंड सूर्य धन लक्ष्मी इज अ डैश वैरायटी ऑफ कॉटन आंसर इज हाइब्रिड वैरायटी ऑफ कॉटन डिफाइन डीलिंटिंग और डीफजिंग इट इज़ डन विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन अ रेशियो ऑफ एसिड टू कॉटन सीड अबाउट वन रेशो टेन इट हेल्प्स इन ग्रेडिंग द सीड किल हाइबरनेटिंग इंसेक्ट डिस्ट्रॉय द डिजीज पैथोजेंस, इट मेक्स सीड ईजी टू सो एंड जर्मिनेट रेपिडली बेसिकली डी लिंटिंग ऑफ कॉटन की जाती है कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिसमें क्या है कॉटन सीड और एस एसिड टू तो कॉटन सीड की रेशियो वन इज़ टू टेन रखी जाती है इसका मेन पर्पस यही होता है कि अगर कोई हाइबरनेटिंग लार्वा ऑफ इंसेक्ट कॉटन सीड में हाइबरनेट कर रहा है या कोई डिजीज पैथोजन है तो उसे किल किया जा सके और जो सीड है उसकी ग्रेडिंग हो जाती है और वो जर्मिनेशन क्वालिटी भी इंक्रीज हो जाती है उसकी नेक्स्ट क्वेश्चन सीड रेट ऑफ देसी कॉटन इज आंसर इज टेन टू एटीन के जी स्पेसिंग ऑफ देसी कॉटन इज सिकटी सेवन पॉइंट फाइव इंटू थर्टी सेंटीमीटर सीड रेट ऑफ अमेरिकन कॉटन इज आंसर इज फिफ्टीन टू ट्वेंटी फाइव के जी स्पेसिंग ऑफ अमेरिकन कॉटन इज आंसर इज सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव इंटू थर्टी सेंटीमीटर मीन्स स्पेसिंग देसी कॉटन एंड अमेरिकन कॉटन की सेम ही है नेक्स्ट क्वेश्चन सीड रेट ऑफ हाइब्रिड कॉटन इज हाइब्रिड कॉटन का सीड रेट कितना है आंसर इज टू टू थ्री के जी स्पेसिंग ऑफ हाइब्रिड कॉटन इज आंसर इज हंड्रेड इन टू सिक्सटी सेंटीमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन ऑफ कॉटन इज आंसर इज फिफ्टी थाउजेंड टू एट्टी थाउजेंड प्लाट्स पर हेक्टेयर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन ऑफ बीटी कॉटन इज बीटी कॉटन की ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन कितनी होती है आंसर इज टेन थाउजेंड प्लांट्स नेक्स्ट क्वेश्चन सोइंग टाइम ऑफ कॉटन फॉर नॉर्थ इंडिया नॉर्थ इंडिया में कॉटन का सोइंग टाइम क्या है आंसर इज फर्स्ट फोर्थ नाइट ऑफ मे नेक्स्ट क्वेश्चन सोइंग टाइम ऑफ कॉटन फॉर सेंट्रल इंडिया इज द आंसर इज लास्ट वीक ऑफ जून टू फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई नेक्स्ट क्वेश्चन सोइंग टाइम ऑफ कॉटन इन तमिलनाडु इज आंसर इज़ सेप्टर टू अक्टूबर ये थे हमारे आज के फिफ्टी क्वेश्चन थैंक यू